देश में जहां इस साल लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब दक्षिणी राज्यों में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान बुरेवी की चेतावनी जारी की है। इस तूफान के कारण तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी है। यह रात या कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पम्बन और कन्याकुमारी के बीच से पार करेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से बात की और केंद्र सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी है। भारत मौसम विभाग के अनुसार बुरेवी आज रात या कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पम्बन और कन्याकुमारी के बीच से पार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार तमिलनाडु और केरल के लोगों की मदद के लिए हर संभव समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीआरएफ की कई टीमें पहले से ही दोनों राज्यों में तैनात हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।